दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू टमाटर प्याज और मटर की सब्जी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने तीन बड़े साइज़ का आलू लिया है, तीन बड़े साइज़ का टमाटर, दो बड़े साइज़ का प्याज और एक कटोरी मटर। तो यहाँ पर हमें जितना आलू लेना है उतना ही टमाटर भी लेना है। तो चलिए सब्जी को अच्छे से काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को काट लिया है, ये देखिए टमाटर हमें इस तरह से काटना है और प्याज को भी मैंने अच्छे से काट लिया है, आलू भी काट लिया है। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को चूल्हे पर रख देंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों डाल देंगे, ये पीला सरसों है, थोड़ा सा हींग। यहाँ पर मैंने चार हरी मिर्च लिया है, इसको बीच से कट कर लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे और हल्का सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का भून लिया है। अब हम इसमें कटे हुए आलू को डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर को भी हम इसमें डाल देंगे और इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। चलिए सब्जी को फिर से एक बार चला लेते हैं। जब तक हमारा सब्जी भून रहा है तब तक हम मसाले को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन, जीरा, काली मिर्च, थोड़ा सा शिमला लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। चलिए मसाले को अच्छे से पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी लेंगे और मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले को पीस लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब सब्जी भी हमारी भून चुकी है, अब हम इसमें मसाले को डाल देंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे और हिलाकर इसको इसी में डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले को 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हमें ढक ढक कर भूनना है। ढक्कन को हटाकर फिर से हम मसाले को चला लेते हैं। फिर से हम ढक देंगे। यहाँ पर मैंने मसाले को 7 से 8 मिनट तक भून लिया है दोस्तों। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस हमें इतना ही पानी डालना है। सब्जी का कलर देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको ढक देंगे, ढककर सब्जी को अच्छे से पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, चलिए सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। सब्जी में हल्का पानी है, एक बार आलू को देख लेते हैं, आलू हमारा पका है कि नहीं। आलू अच्छे से पक चुका है। पानी को हम इतना ही रहने देंगे, पानी को और नहीं सुखाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। आप एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। सब्जी को अब हम एक कटोरी में निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सब्जी को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।